मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल। इतिहास के पन्नों के इस एपिसोड में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं लखनऊ में स्थित जनरल की कोठी। इतिहास के पन्नों में इसका आपको जिक्र मिलता है, तो आइए देखते हैं कोठी कैसी है, कितनी साल पुरानी है, इसका इतिहास क्या है। लेट्स गो। जैसा कि सामने आपको जनरल वाली कोठी लखनऊ लिखा हुआ बोर्ड दिख रहा है, इस कोठी का निर्माण सन 1798 से सन 1814 के बीच शहादत अली खां के शासनकाल में हुआ। इस कोठी का नाम जनरल वाली कोठी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर उस जमाने में सेना प्रमुख या गवर्नर जनरल निवास करते थे, इसी कारण इस कोठी का नाम जनरल वाली कोठी पड़ा। जैसा कि आपको यह मुख्य द्वार दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू है इसका, और यह जो कोठी है गोमती नदी के तट पे स्थित है। इसके जस्ट बगल में ही गोमती नदी है और इसके दाएं साइड की बात करें तो रोड है। ये देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा हुआ है और आज इसे एसपी वाली कोठी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए जो आप गली दिख रहे हैं ये इसका बाहरी दृश्य है। यह दो मंजिला बिल्डिंग है और इसमें उस समय के गवर्नर जनरल या सेना प्रमुख निवास करते थे। हालांकि इस इमारत को काफ़ी सजो के रखा गया है। ये देखिए पूरा ये वाह दृश्य है आपको, जो काफ़ी पुरानी इमारतें हैं, अंग्रेज़ों के समय में बनी इस इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। ये पुरातत्व विभाग लखनऊ के पास स्थित यह इमारत है। ये पूरा आपको जो वाह दृश्य दिख रहा है इस समय, यहाँ से जो नदी की दूरी है लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी है। ये देखिए हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इधर गार्डनिंग किया हुआ है और ये प्रवेश द्वार है। तो इस तरह से जनरल वाली कोठी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।